हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इन कहानियों को अपने चहेतों के साथ साझा भी करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम ले लूँ। जगदीश पुरोहित मुंबई से, लोकेश गायकवाड़ जी महाराष्ट्र से, प्रथम मुखर्जी, हर्ष कोठावले, भागीरथ कांता जी, हिमांशु देसवाल, निशार अहमद, गगन जी हरियाणा से, अजय कुमार, अजय कुशवाहा झांसी से, नंदलाल जैन जी, सूरज बिरारी जी, राजेश कुमार अलीगढ़ से, प्रदीप राजभर, राजेंद्र सोनी, आप सभी लोगों का वीडियो पर कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि एंडरसन एक ऐसे टाइगर को मारने के लिए येमेडोडी गए थे जो पालतू मवेशियों को अपना शिकार बना रहा था। उसने अब तक लगभग 35 से 40 पालतू जानवरों को मार डाला था। उन्होंने अपने साथ अपने एक मित्र रॉबर्टसन को भी लिया था, लेकिन जब वो लोग वहाँ अपनी जीप से जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी जीप खराब हो गई थी और वो पैदल ही जंगल से होते हुए वहाँ के लिए चल पड़े थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बछड़े की लाश मिल गई जिसे एक लेपर्ड ने मारा था। एंडरसन यहाँ पर एक टाइगर को मारने आए थे, लेकिन जब रास्ते में उन्हें ये लेपर्ड द्वारा मारा गया बछड़ा मिल गया तो उन्होंने इस लेपर्ड को भी मारने का मन बनाया, क्योंकि ये लेपर्ड भी आगे चल के पालतू मवेशियों को मारता है। लेकिन सबसे पहले वो उस टाइगर को मारने के लिए गए जो 35 से 40 जानवरों को मार चुका था। वो उस गाय की लाश के पास पहुंचे जिसे उस टाइगर ने दिन के समय मारा था, और रात होने पर एंडरसन टॉर्च की रोशनी सही जगह पर ना पड़ने के कारण उस पर गोली नहीं चला पाए थे और टाइगर वहां से भाग गया था। उसके बाद एंडरसन उसी रात इस लेपर्ड को मारने के लिए आए और उन्होंने इस लेपर्ड पर गोली चला दी थी। अगली सुबह जब वो फिर से इस लेपर्ड को खोजने आए तब उन्हें इस लेपर्ड की लाश मिली, जिसे लेकर वो वापस उस गांव की तरफ चल पड़े जिसके आसपास वो टाइगर पालतू मवेशियों को अपना शिकार बना रहा था। उन्होंने उस लेपर्ड की लाश को गांव वालों की मदद से ज़मीन में गड़वा दिया। लेपर्ड का खात्मा तो हो गया था, अब बचा था वो टाइगर। वो लगभग 10 दिनों तक उसी गांव में रुके रहे। दिन के समय में वो पैदल ही जंगल में घूमकर टाइगर को खोजते और रात में वापस गांव में लौटाते। लेकिन ना जाने क्यों जो टाइगर हफ्ते में 3 से 4 पालतू जानवरों को मारा करता था, अब वो एकदम गायब हो गया था। इतने दिनों में उसने एक भी पालतू जानवर को नहीं मारा और ना ही वो उस मारी गई गाय की लाश को खाने के लिए फिर कभी वापस आया था। एंडरसन उस टाइगर के पास बस उसी रात पहुंच पाए थे जब वो झाड़ियों में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उनके कीमती 10 दिन अब निकल गए, जबकि वो सिर्फ एक हफ्ते की छुट्टी लेकर यहाँ इस टाइगर को मारने के लिए आए थे। उनकी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो चुकी थी। टाइगर भले ही मारा नहीं गया था, लेकिन उसने पालतू जानवरों को मारना भी छोड़ दिया था। हो सकता हो कि उस टाइगर ने अब अपनी जगह बदल ली हो और वो यहाँ से दूर चला गया, इसलिए अब एंडरसन वापस बेंगलोर चले गए। उनके साथ उनका दोस्त रॉबर्टसन भी वापस चला गया। उनके जाने के बाद लगभग 1 महीने तक वहाँ ऐसे ही शांति बनी रही और सब लोगों ने मान लिया था कि वो टाइगर कहीं और चला गया है। लेकिन फिर उसके बाद एंडरसन को एक दिन खबर मिली कि फिर से उन्हीं गाँव में से कोई टाइगर इंसानों को अपना शिकार बनाने लगा है। हाल फिलहाल में एक हफ्ते में ही उसने 2 आदमियों को मार डाला था। ये खबर बहुत चौंका देने वाली थी। टाइगर ने जब पहले पहल इस आदमी को मारा था तब वो पहला किस्सा कुछ इस प्रकार था। एक दोपहर गांव का ही एक आदमी अपने पालतू जानवरों को चराने के लिए जंगल में गया हुआ था। वो एक पेड़ पर चढ़कर अपने मवेशियों के लिए पत्ते तोड़ रहा था। तभी उसने नीचे देखा तो झाड़ियों में से एक टाइगर बाहर निकला और उसने एक बछड़े पर हमला कर दिया। लेकिन
वो उस बछड़े को मारने के लिए अपने जबड़े का प्रयोग नहीं कर रहा था, बल्कि वो सिर्फ पंजे से ही उस बछड़े को मारने का प्रयास कर रहा था। उस टाइगर को भगाने के लिए उस आदमी ने बहुत हो हल्ला मचाया और वह नीचे उतर आया। उसने दूर से ही उस टाइगर पर कुछ पत्थर भी फेंके, जिससे नाराज होकर उस टाइगर ने इस आदमी को ही दौड़ा लिया। टाइगर की रफ्तार के आगे यह आदमी कितना टिक पाता। कुछ ही दूरी के अंदर उसने इस आदमी को ज़मीन पर गिरा दिया और उस आदमी के सीने पर अपने पंजों से इतने ज़्यादा वार किए कि उस आदमी की सारी पसलियाँ बाहर आ गई थीं और खून के फवारे फूट पड़े थे। उस आदमी के शरीर से निकले हुए खून को देखकर इस टाइगर को ऐसा लगा कि ये चीज़ भी खाने वाली हो सकती है, और उसने पहली बार इंसानी मांस को चखा। उसको इंसानी मांस बढ़िया लगा। उसके बाद उसने एक और आदमी को खाने के लिए मारा था। ये दूसरा आदमी, जिसे बहुत दिनों से पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए आज वो अपने सर पर घी के डिब्बे लेकर उन्हें बेचने के लिए शहर जा रहा था। शहरों में घी का बढ़िया दाम मिल जाता था। अभी वो अपने घर से 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी इस टाइगर ने इस पर पीछे से हमला कर दिया, और इससे पहले कि यह आदमी कुछ समझ पाता, इस आदमी की गर्दन टाइगर के पंजों में आ चुकी थी। टाइगर ने इसकी गर्दन पर जोर जोर से कई वार किए, जिसके कारण इस आदमी की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। ये दोनों वारदातें बहुत डरा देने वाली थी। गांव के लोगों ने जंगल में जाना छोड़ दिया था। उनके मवेशी दिन भर घर पर ही बंधे रहते थे। अपने मवेशियों को भरपेट खिलाने के लिए ये लोग घास भी नहीं जुटा पाते थे। ऐसे में यहाँ के लोगों का दैनिक जीवन बहुत प्रभावित हो गया था। एंडरसन को यहाँ आने के लिए बुलावा भेजा गया। एंडरसन बेंगलोर से फिर से अपने काम से छुट्टी लेकर इस जगह के लिए निकल पड़े। इस बार उनका दोस्त रॉबर्टसन उनके साथ नहीं था। यहाँ पहुँचकर उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि ये टाइगर वही टाइगर है जो पालतू जानवरों को मारा करता था, या फिर ये कोई नया टाइगर है। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि हाँ, ये वही टाइगर था जो पहले पालतू जानवरों को मारा करता था, लेकिन यहाँ के किसी लोकल शिकारी ने इसे घायल करके छोड़ दिया था। दरअसल ये जो लोकल शिकारी था, वो अपने दोस्तों के साथ जंगल के रास्तों में गाड़ी में बैठकर शिकार खेला करता था और कभी भी पैदल उतरकर जंगल में शिकार करने के लिए नहीं जाता था। जंगल में पैदल उतरकर शिकार करने की हिम्मत उस शिकारी में नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब वो शिकार पर निकला हुआ था, तब रास्ते के किनारे उसे ये टाइगर दिख गया। टाइगर उसकी गाड़ी से 50 फीट दूरी पर था और झाड़ियों में घुसने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने उस गाड़ी को वहाँ पर रुकते हुए देखा, तब वो भी रुक गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आदमी कभी भी ज़मीन पर उतरकर जानवरों पर गोली नहीं चलाता था। उसने गाड़ी में से ही उस टाइगर पर गोली चला दी। गोली ने टाइगर के निचले जबड़े को पूरी तरह से तोड़ डाला। टाइगर दर्द से छटपटाते हुए जंगल में घुस गया। जंगल में जाने के बाद ये टाइगर झाड़ियों में से बहुत देर तक गुर्राता रहा, लेकिन इस शिकारी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो गाड़ी से नीचे उतरकर टाइगर की तरफ जाए। उसने उस घायल टाइगर को बिना मारे ऐसे ही तड़पते हुए छोड़ दिया। और तो और, उसने टाइगर को घायल करने की खबर किसी भी वन विभाग के कर्मचारी को भी नहीं दी, और ना ही उन गांव वालों को जो गांव में से अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में जाते थे। ये टाइगर, जिसका निचला जबड़ा बहुत बुरी तरह से टूट चुका था, वो कई दिनों तक बिना खाए पिए पड़ा रहा, और जब उसके घाव थोड़े बहुत ठीक हो गए, तब वो खाने के लिए अपना शिकार ढूंढने लगा। सबसे पहले उसने एक गाय को मारना चाहा, लेकिन सिर्फ पंजों की मदद से वो उस गाय को नहीं मार पाया। ऐसा करते करते कई बार उसने इन गाय भैंसों को मारने की कोशिश की, लेकिन अब वो पालतू जानवरों को भी नहीं मार पा रहा था। अंत में उसने उस आदमी को ही मार डाला था, जो किस्सा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसके बाद से लगातार वो इंसानों को अपना शिकार बना रहा था।
एंडरसन ने वहाँ के गांव वालों से कह दिया कि कम से कम 15 से 20 दिन तक कोई भी आदमी अकेले या झुंड में जंगलों में ना जाए और ना ही अपने मवेशियों को जंगल में भेजे। उस रात जब एंडरसन गांव में रुके हुए थे तब उन्हें पूरी रात उस टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी जो भूख से व्याकुल होकर अपने खाने के लिए शिकार ढूंढ रहा था। सुबह होते ही उस टाइगर की आवाज़ आना बंद हो गई। पिछली रात एंडरसन को जिस तरफ से उस टाइगर की आवाज़ सुनाई दी थी वो अपनी राइफल लेकर उसी तरफ गए। वहाँ उन्हें काफ़ी खोजने पर खून के निशान देखने को मिले। ये खून के निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि इसी टाइगर के ही थे जिसका जबड़ा अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उसमें से मवाद टपक रहा था। उस पूरे दिन एंडरसन जंगल में घूम घूम कर टाइगर को ढूंढते रहे लेकिन टाइगर नहीं मिला। रात में सोते समय उनके मन में ये विचार आया कि इस तरह उस टाइगर को ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। उन्हें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि टाइगर खुद ही उनके पास तक आ जाए। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद जब एंडरसन जंगल में गए तब उन्होंने अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले ली थी। जंगल में जाकर जहां उन्हें लग रहा था कि टाइगर उनकी आवाज़ को सुन सकता है वो वहां पर जोर जोर से बोलने लगे। उसके बाद उन्होंने दो चार बार उल्टी कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार किए जैसे कोई लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा है। उसके बाद वो एक पेड़ पर ऊपर तक चढ़ गए और वहाँ पर उल्टी कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करते रहे ताकि टाइगर अगर ये आवाज़ सुन रहा हो तो उसे लगे कि जंगल में कोई आदमी लकड़ी काटने आया है और वो उसे मारने के लिए यहाँ आ जाए। एंडरसन की ऊंचाई ज़मीन पर से 16 या 17 फीट ही थी। जब एंडरसन कुल्हाड़ी मारते मारते थक गए तब वो उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से सिगार निकाला और सिगार पीने लगे। उन्हें पता था कि कई दिन से भूखे प्यासे टाइगर को यहाँ आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। टाइगर जैसा भूखा जानवर भूख लगने पर जोखिम भी उठा लेता है। वो जिस पेड़ पर चढ़े थे उसके तने में बहुत सारी छोटी छोटी टहनियाँ निकली हुई थी जिनसे ऊपर चढ़ना एंडरसन के लिए आसान हो गया था और अगर टाइगर भी उस पेड़ पर चढ़ना चाहे तो आराम से चढ़ सकता था। अगर रात का समय होता तो वो ऐसे पेड़ पर बिल्कुल न चढ़ते लेकिन दिन के समय में वो टाइगर उन्हें नीचे ही दिख जाएगा और वो उस पर गोली चला देंगे। सिगार का दौर भी खत्म हो चला लेकिन अभी तक टाइगर नहीं आया। इसका एक कारण यही हो सकता है कि टाइगर यहाँ से कहीं दूर है जिसके कानों में लकड़ी काटने की आवाज़ नहीं पहुँच रही है। लेकिन फिर भी नीचे उतरने से पहले क्यों ना एक दो बार और प्रयास किया जाए। एंडरसन ने कुल्हाड़ी को उठाया और पेड़ पर ठोकने लगे। कुछ ही देर बाद एंडरसन को ऐसा लगा कि उनके पीछे की तरफ की झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। हो ना हो ये वही टाइगर है जो पीछे से हमला करने के फिराक में है। एंडरसन अपनी गर्दन को आधा घुमाए आँखों की कनखियों से पीछे हो रही हलचल को देख रहे थे जबकि झाड़ी के अंदर से उस बेचारे टाइगर को ऐसा लग रहा था कि अभी तक एंडरसन ने उसके द्वारा की गई हलचल को नहीं देखा। टाइगर झाड़ियों के बीच में से होते हुए पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। जब वो पेड़ के एकदम पास पहुंचने वाला था तब वो वहीं पर रुक गया और एक टक एंडरसन को देखे जा रहा था। एंडरसन भी टाइगर की ये सारी गतिविधि देख रहे थे। थोड़ी देर तक बिना हिले डुले वो टाइगर वहीं पर रुका रहा और उसके बाद फिर आगे बढ़ने लगा। और जब टाइगर पेड़ के एकदम नज़दीक आ गया और जैसे ही उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की एंडरसन ने अपनी राइफल की नली को उसके मुंह पर पॉइंट किया और गोली चला दी। गोली लगते ही टाइगर जमीन पर गिर पड़ा और एकदम चित्त लेट गया। सिर पर गोली लगने की वजह से शायद वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था इसलिए एंडरसन को लगा कि वो मर गया है। लेकिन तुरंत ही वो टाइगर उठ के फिर से झाड़ियों में घुस गया और वहाँ से दूर चला गया। सिर पर गोली लगने के बाद भी वो टाइगर अभी भी जिंदा था। एंडरसन सोच रहे थे कि ये टाइगर कितनी सख्त जानवर है जो सिर पर गोली लगने के बाद भी मरा नहीं। थोड़ी देर पहले जंगल गोली की आवाज़ और टाइगर की दहाड़ से गूंज रहा था। टाइगर के जाते ही वहाँ पर
एकदम शांति हो गई थी। एंडरसन पेड़ से नीचे उतरकर उस तरफ चल पड़े जिस तरफ टाइगर गया था। वो घायल टाइगर को बिना मारे नहीं छोड़ सकते थे। माथे पर गोली लगने की वजह से गोली माथे की हड्डी में ही धंस गई थी, जिसके वजह से बस नाम मात्र खून के निशान वहाँ बने थे। इन्हीं निशानों के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ना था। अभी दिन का समय था और टाइगर का पीछा किया जा सकता था, लेकिन टाइगर जिन झाड़ियों में से होकर गया था वो काफ़ी घनी झाड़ियाँ थी। घनी झाड़ियों में घायल टाइगर को खोजना काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि घायल टाइगर बहुत आक्रामक हो जाते हैं और झाड़ियों में से छिपकर वो पूरी जान से अपने प्रतिद्वंदी पर हमला करते हैं। एंडरसन धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अगर उनका टाइगर से सामना हुआ तब उन्हें एक या दो सेकंड से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर इसी समय में उन्होंने उस टाइगर पर गोली चला दी तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उनकी जान पर बनाएगी। लेकिन शायद टाइगर वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर निकल गया था। झाड़ियों में काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी टाइगर नहीं मिला। वो लगभग दो घंटे पहले पेड़ से नीचे उतरे थे। एंडरसन को इन घनी झाड़ियों में टाइगर को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी और अब शाम हो गई थी, इसलिए एंडरसन ने वापस गांव की तरफ कदम बढ़ाए और रात होते होते वापस गांव में आ गए। रात में खाना खाने के बाद उन्होंने फिर से उस घायल टाइगर को ढूंढने का एक प्लान बनाया। अगली सुबह वो देर तक सोते रहे क्योंकि उन्हें रात में बुखार आ गया था, लेकिन उन्हें उस टाइगर को किसी भी हाल में आज ढूंढना था। गांव वाले कई दिनों तक जंगल से दूर नहीं रह सकते थे, उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जंगल में जाना ही पड़ता है। उसी दिन दोपहर के समय उन्होंने गांव के लोगों को बुलवाया और गांव वालों से कहा कि मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। वो ऐसे कि आप सभी लोग गांव के सारे पालतू जानवरों को एक साथ जंगल की तरफ ले जाएं और वो खुद भी उन लोगों के साथ जंगल में जाएंगे। पिछली शाम उन्होंने उस टाइगर पर गोली चलाई है जो उस टाइगर को लगी भी है। हो सकता है कि वो टाइगर मर गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं घायल अवस्था में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हो। हमें उस टाइगर को जिंदा या मुर्दा खोजना ही होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो टाइगर आगे चलकर आप लोगों के लिए और दिक्कत पैदा करे। मैं यहाँ से उस टाइगर की लाश को देखने के बाद ही जाऊँगा। ऐसे में पिछली शाम मैंने जिन झाड़ियों में उस टाइगर को जाते हुए देखा था वो काफ़ी घनी है और उनमें टाइगर को खोजना बहुत जोखिम भरा काम है। ऐसे में आपके पालतू जानवरों को उस तरफ ले जाया जाएगा और अगर वो जानवर उस टाइगर को देख लेंगे तब वो आगे नहीं बढ़ेंगे और एंडरसन को टाइगर की पोजीशन का पता चल जाएगा। गाय भैंस को जंगल में जब भी टाइगर की गंध मिल जाती है तो वो अपनी गर्दन उठाकर हवा को सूंघने लगते हैं और जिस तरफ टाइगर है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। योजना के अनुसार दोपहर में ही गांव के लगभग 70-80 मवेशी जंगल में ले जाए गए। एंडरसन ने मवेशियों को जंगल में उस तरफ हकवा दिया था जिस तरफ वो टाइगर गया था। आगे आगे पालतू मवेशी चल रहे थे, पीछे एंडरसन और उन मवेशियों के मालिक चल रहे थे। जाते जाते एक जगह पर सबसे आगे चलने वाली भैंस रुक गई और वो झाड़ी की तरफ मुंह करके जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रही थी। उस भैंस को टाइगर की गंध मिल गई थी। धीरे धीरे करके सारी भैंसें वहीं पर रुक गई और सारी भैंसें हवा में मुंह करके कुछ सूंघने का प्रयास कर रही थी। एंडरसन को यही तो चाहिए था। उन्होंने उस जगह के पास दो हल्दू के पेड़ों पर गांव के दो आदमियों को चढ़ा दिया और उनसे कहा कि वो देखकर बताएं कि नीचे झाड़ियों में उन्हें क्या दिख रहा है। दोनों आदमी जब पेड़ पर चढ़ गए तब उन्होंने एंडरसन से कहा कि उन्हें झाड़ियों में कोई पीली चीज़ दिख रही है और वो चीज़ टाइगर हो सकती है, लेकिन वो टाइगर जिंदा है या नहीं ये नहीं बता सकते क्योंकि टाइगर एक ही अवस्था में लेटा हुआ था। हो सकता है कि वो मर गया हो, लेकिन जोखिम नहीं लिया जा सकता, वो भी टाइगर के मामले में। एंडरसन ने टाइगर के पीछे की तरफ से उस तरफ बढ़ने की सोची। एंडरसन ने उन दोनों आदमियों से कहा कि वो दोनों उस टाइगर को देखते रहें, जैसे ही वो टाइगर अपनी पोजीशन को बदले तब वो उन्हें बताते रहें। एंडरसन
झाड़ी का गोल चक्कर लगाकर टाइगर के पूंछ की तरफ से झाड़ी की तरफ बढ़े और जब वो झाड़ी के एकदम नज़दीक पहुंचने वाले थे तब पेड़ पर चढ़े आदमियों ने उन्हें इशारा करके बताया कि वो टाइगर जिंदा है और ये जान गया है कि उसके पास कोई इंसान आने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना मुंह एंडरसन की तरफ कर लिया है। एंडरसन जहाँ थे वहीं रुक गए। उन्हें पता था कि घायल टाइगर अब सब्र नहीं करेगा, वो उन पर हमला करने के लिए झाड़ियों में से छलांग जरूर मारेगा। ऐसे में उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि एंडरसन पीछे हट पाते झाड़ियाँ हिली और उसमें से बड़ा सा टाइगर का मुंह बाहर निकला। टाइगर ने एंडरसन पर छलांग मार दी थी। जब वो हवा में ऊपर उठा ही था, एंडरसन ने टाइगर पर गोली चला दी। दोस्तों, इतने पास के एनकाउंटर में टाइगर या लैपट पर गोली एकदम निशाना भिड़ाकर नहीं चलाई जाती, वो बस टाइगर या लैपट की तरफ करके चला दी जाती है। एंडरसन द्वारा चलाई गई ये दूसरी गोली भी उस टाइगर को लगी या नहीं, ये तो उस जल्दबाजी में उन्हें पता नहीं चला। एंडरसन उस टाइगर के छलांग के रास्ते में से हट गए और टाइगर उनके बगल में आकर गिरा। अगर टाइगर सिर्फ कुछ फीट बाएं होकर उनके ऊपर गिरता तब टाइगर का एक पंजा भी उनकी जान ले सकता था। टाइगर जमीन पर छटपटा रहा था और एंडरसन बिना उठे पीछे की तरफ अपने हाथों की मदद से अपने आप को घसीटते जा रहे थे और जब उन्होंने टाइगर से कुछ फुट की दूरी बना ली तब वो उठकर खड़े हो गए और उन्होंने एक और गोली टाइगर पर दाग दी। इस अंतिम गोली ने टाइगर के प्राण छीन लिए और टाइगर सिर्फ एक मृत शरीर बनकर रह गया। पेड़ पर चढ़े दोनों आदमियों ने यह पूरा क्रियाचक्र देखा जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाए होंगे। एक पल के लिए तो उन्हें भी लगा था कि टाइगर एंडरसन पर ही गिरेगा, लेकिन किस्मत से एंडरसन आज भी बच गए थे। उनके सामने वो टाइगर पड़ा था जिसके अंदर अब जीवन नहीं बचा था। टाइगर का निचला जबड़ा उस लोकल शिकारी की चलाई गई गोली से बुरी तरह से टूट चुका था, इसी कारण ये बेचारा टाइगर जैसे तैसे अपना पेट भरने के लिए अब इंसानों को मारने लगा था। तो दोस्तों, इस प्रकार एंडरसन ने इस टाइगर को मारकर बहुत से इंसानों की जान बचाई। लेकिन अगर पूर्ण रूप से इस कहानी को देखें तो इसमें सरासर गलती एक इंसान की ही थी जिसने उस टाइगर को घायल बनाकर मजबूर कर दिया था कि वो इंसानों पर हमला करे। मेरे विचार से ये गोली उस टाइगर को नहीं उस शिकारी को मारनी चाहिए जिसने सिर्फ मनोरंजन के लिए कई मासूम जिंदगियों को उनके परिवार वालों से छीन लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगले वीडियो में आप कौन से लेखक की कहानी सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप लोगों के पास इन कहानियों को और ज़्यादा रोचक बनाने के लिए कोई सुझाव हो तो मैं ऐसे सुझावों का हमेशा अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।